lesson number 9, land. So it is all about our soil. The soil we live, the land we live, it is all about our soil. So our lesson number 9 is land. Makan Bhai, after taking his dinner, sat for watching TV. The baby Jill came running to him. He said, "Grandfather, tell me a story." "Which story do you want to listen?" grandfather asked. "The one which I enjoy the most," Jill said. "Okay," said the grandfather and began a story. The lesson is starting with one story where Makan Bhai, after taking his dinner, he was sitting and watching the TV. That time, his granddaughter Jean came running to him and asked to listen to one story. "Here, which story do you want to listen?" grandfather asked. "The one which I enjoy the most." Okay, then the story started. There was a small village, a potter named Makan Bhai stayed here. Every day he brings soil from the lake and prepared pots, bowls, etc. One day he prepared a small pot. He painted it colorful. The pot looked very beautiful now. So in the story, Makan Bhai, name of a potter was Makan Bhai. He used to bring soil from the lake and prepare pots there. As you know all everyone, मिट्टी से हमारे बनते हैं पॉट्स बनाते हैं बॉल बनाते हैं बहुत सारे पॉटर्स जो होते हैं सो मगन भाई वाज अ पॉटर ही यूज्ड टू ब्रिंग द सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स देयर एंड वन डे ही प्रिपेयर अ वेरी स्मॉल पॉट छोटा सा उन्होंने एक पॉट बनाया उसको अच्छे से उन्होंने पेंट किया कलर किया द पॉट लुक वेरी ब्यूटीफुल और वो जो पॉट था वो बहुत सुंदर दिख रहा था ही गेट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल और उसके बाद पता है वो उसको बेचने के लिए लाते हैं सो ही केप्ट द पॉट फॉर सेल द नेक्स्ट डे रमेश भाई वाज पासिंग नियर बाय हिज शॉप ही सॉ द पॉट एंड इमीडिएटली परचेज अगले दिन दुकान के बाजू में से कौन जा रहे थे रमेश भाई तो उन्होंने जब देखा ही सॉ द ब्यूटीफुल पॉट स्मॉल पॉट बहुत अच्छा लगा उनको तो उन्होंने वो खरीद लिया नेक्स्ट ही सॉ द पॉट इमीडिएटली परचेज His daughter became extremely happy after seeing this small pot in Ramesh Bhai's hand. और जब वो घर पे लेके गए तो उनकी एक बेटी थी तो वो देख के बहुत खुश हो गई कि इतना सुंदर पॉट पापा ने मेरे लिए लाया है तो सी सेड पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट तो वो पता है वो मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें हम लोग पानी भरते हैं तो उसमें उसकी बेटी जो है वो बोली कि पापा मैं इसमें पानी भरूँ ओके सेड रमेश रमेश भाई ने बोला ठीक है इसमें तो पानी भर देन नाउ एवरी डे बिंदिया फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट जो बेटी थी उसका नाम था बिंदिया सो नाउ ऑन कोर्स एवरी डे बिंदिया यूज टू फिल वाटर इन दैट स्मॉल पॉट वन डे द पॉट स्लिप फ्रॉम हर हैंड लेकिन एक दिन क्या हुआ वो जो पॉट था उसके हाथ से गिर गया और पता है मिट्टी के जो घड़े होते हैं वो अगर हाथ से गिरे तो क्या होता है वो टूट जाता है सो इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इनटू पीसेस और जैसे ही वो गिरा वो क्या हुआ वो पूरे पीसेस में वो टूट गया देन हार्ट ब्रोकन विंध्या कलेक्ट द पीसेस एंड केप्ट देम बिहाइंड द हाउस तो विंध्या जो है वो बहुत दुखी हो गई क्योंकि वो उसमें डेली पानी भरती थी तो उसको वो क्या किया सारे पीसेस लिया उसने और लेके जाके वो क्या किया घर के पीछे एक जगह पे उसने रख दिया द ग्रैंडफादर आस्क्ड नाउ देयर विंध्या व्हाट वुड हैव हैपेंड टू दोस पीसेस ये क्या है दिस इज अ स्टोरी हु वाज टेलिंग दिस स्टोरी मगन भाई टू जी ठीक है अभी मगन भाई जो है वो जीन को पूछ रहे हैं कि अभी तुम बताओ कि ये जो पीसेस जो टूट गया था और वो जो लेके बाहर रखी थी अभी उसका क्या हुआ होगा तो सम क्लास गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज्ड देम फॉर प्लेइंग गेम्स तो कभी कभी क्या होता है मिट्टी के कोई टुकड़ा मिलता है तो उसमें हम खेलते हैं ना बच्चे जो है मिलकर सब खेलते हैं उसमें तो जी बोल रही है कि कुछ गर्ल्स जो है मेरे अगर जैसे हैं तो दे मस्ट यूज इट टू प्ले यूर पीसेस आर मिक्स अगेन विद द सॉइल हियरिंग दिस कंफ्यूज जी आस्क व्हाट आर द थिंग्स दैट मिक्स इन द सॉइल तो उसके दादाजी बोले कि हाँ तो तुम लोग खेलोगे और वो जो मिट्टी के जो घड़े का जो टुकड़े थे वो बाद में फिर से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं ये पीसेस
are mixed again with the soil. तो after hearing this, he was very confused. वो बोले कैसे मिट्टी के फिर मिट्टी में मिल जाएगा? Then hearing this, confused he asked, what are the things that mix with the soil? और क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो मिट्टी में फिर से मिल जाते हैं? Then so this is the question. And to know this answer of this question, we have to do few activities now. It's clear? कुछ activities ये lesson में हैं. और वो activity if you do ना, then only you will be clear क्या-क्या और चीजें होती हैं जो मिट्टी में mix होके रहती हैं. See activity one. This is the first activity. What do we need? For this activity, what are the things you need? Spade, C for sieving wheat, C for sieving wheat flour, thin cotton cloth, long soil. Okay, these are the things you need for this activity. What are things? Spade, spade, जिसमें हम लोग मिट्टी निकालते हैं ना, spade होती है. Then C for sieving wheat. देखा हो गेहूं चालने के ये हम लोग घर में यूज करते हैं, मम्मी यूज करते हैं गेहूं को साफ करने के लिए, वो सीविंग वो यूज. सी द सी फॉर व्हीट फ्लोर. और आटा चलने के लिए जो सीव होता है वो भी लेना है हमको. थिन कॉटन क्लोथ लेनी है, एक पतला सी कॉटन क्लोथ भी लेनी है. द लंप ऑफ सॉयल, और एक मिट्टी एक जो टुकड़ा है सॉयल का लेना है, मिट्टी का टुकड़ा लेना है. देन व्हाट टू डू, उसके बाद हमको क्या करनी है. सी द पिक्चर, सी द पिक्चर, व्हाट इट इज दे आर डूइंग. दे आर सीव सॉयल टू व्हीट सीव सीव. क्लियर? दे आर सीविंग. वो चार बड़े किस्म जिसमें हम लोग गेहूँ चालते हैं, जिसमें बड़े बड़े दाने गेहूँ जो है निकल जाते हैं, और ज्यादा कचरा जो बड़े कचरे जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं. क्लियर? पहले हम क्या करेंगे, वो जो सीव है उसमें हम लोग चालेंगे वो मिट्टी को. टेक वन लंप ऑफ सॉइल, टर्न इट इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज, सीव इट थ्रू द व्हीट सीविंग सीव. व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, ऑब्जर्व इट. क्लियर? फिर हम देखेंगे, पहले वो लंप ऑफ सॉइल को लेंगे, फिर सीवर में वो उसको तोड़ देंगे और उसको सीव करेंगे, उसमें चालेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें उसके ऊपर रह गया है और नीचे क्या चला गया है. क्लियर? कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली. और जो चीजें वहां रहेंगी बच गई है उसको हम क्या करेंगे, उसको अलग से हम रख देंगे. क्लियर? देन यू हैव टू राइट व्हाट आर द थिंग्स वी गेट इन द सीव. क्लियर? एंड व्हाट इज सीव्ड आउट ऑफ सीव, और वो चालने में से कौन सी चीजें हैं जो नीचे गिर गया है. That is the second activity. See the second activity. Activity 2. Clear? Collect the seed part and seed it with the seed used for sieving flour. इसके बाद हम जो आटे चलने के लिए जो हमने छलनी लिया था उसमें जो मिट्टी गिरी नीचे पहले एक्टिविटी के बाद, वही मिट्टी को फिर से हम उसमें चाल लेंगे. Seed part through wheat sieving seed. अभी फिर उसको हम फिर से चाल लेंगे. Clear? Now what is left in the seed? फिर हम देखेंगे कौन सी चीजें उसमें रह गया है, और ऊपर कौन सी चीजें रह गई और नीचे कौन सी चीजें आ गई है. कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली. अभी हम क्या करेंगे, फिर जो चीजें उसके ऊपर रह गया है दैट आल्सो वी हैव टू कीप इट सेपरेटली. क्लियर? देन कम आवर एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी. इन थर्ड एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू, कलेक्ट द सेकंड टाइम फिल्टर सॉइल एंड सीव इट थ्रू द कॉटन प्लीज. एक कपड़ा हमने जैसे शुरू में बोला था क्या चीजें चाहिए थी, एक कॉटन की क्लोथ चाहिए थी. तो उसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम चलने के बाद जो मिट्टी रह गया है नीचे, जो मिट्टी आ गया, दैट टाइम वी फिल्टर दैट सॉइल एंड सीव इट थ्रू द कॉटन प्लीज. क्लियर? व्हाट इज लेफ्ट ऑन द क्लोथ, ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर कॉम्पोनेंट एंड नो. एट दैट टाइम यू हैव टू सी व्हाट आर द थिंग्स लेफ्ट ओवर देयर एंड व्हाट इज दैट इज सीव थ्रू द क्लोथ. क्लियर? दैट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड राइट. देन सेपरेट द कंपोनेंट लेफ्ट इन द क्लोथ फ्रॉम दोस फिल्टर फ्रॉम द क्लोथ. क्लियर? नाउ यू हैव टू सेपरेट दिस कंपोनेंट्स आल्सो, व्हिच एवर लेफ्ट ओवर कंपोनेंट सेपरेटली, एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दोस थिंग्स आल्सो. देन सीव सॉइल थ्रू वाटर प्लीज. देन सी व्हाट इज लेफ्ट इन द क्लोथ. नाउ यू हैव टू सी व्हिच आर द थिंग्स लेफ्ट ऑन द क्लोथ and which things it was filter out of the cloth. Clear? So this is, these are three activities, activity 1, 2 and 3. Now from these three activities, what you have observed?
Observe the filter and leftover component for first, second and third time. In first activity, what you have observed? The second activity and the third one. Think and see. Now you have to see those activity in the first activity, what you have saw in those activity, which component are combined after sieving the soil with different sieve size. अलग अलग चलने में छानने के बाद वो मिट्टी कैसे था, कहाँ कौन कौन से कंपोनेंट रह गया था चलने के ऊपर और कौन नीचे आ गया था, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड राइट दोस थिंग्स. कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉइल. अगर हम छानने के बाद हमने देखा क्या उसके ऊपर कुछ और चीजें रह गई थी मिट्टी के अलावा, क्या क्या चीजें उसमें था, दैट थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू राइट. हाउ कैन डिफरेंट कंपोनेंट अफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल. ये जो अलग अलग चीजें कंपोनेंट जो हमारे सॉइल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, तो इससे सॉइल में क्या फर्क पड़ता है, दैट ऑल्सो यू हैव टू नो. क्लियर. नाउ आवर एक्टिविटी फोर. एक्टिविटी फोर, देन व्हाट डू यू नीड फॉर दिस एक्टिविटी. सी, अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ट्रांसपेरेंट ग्लास, स्पेड, लंप ऑफ सॉइल एंड ट्रे. फॉर दिस एक्टिविटी यू नीड थिंग वन, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ट्रांसपेरेंट ग्लास, स्पेड, लंप ऑफ सॉइल एंड ट्रे. दीज आर द थिंग्स यू नीड फॉर दिस फोर्थ एक्टिविटी. सी, कीप अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग इन सनलाइट विदिन अ लंप ऑफ सॉइल. सी, दिस इज अ प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, सो कैन यू कैन सी थ्रू इट. Then what will you do? Now what you have to do? Bring 3 to 4 lump of soil from the nearby farm from 1 feet depth by digging this way. अभी तुमको कौन सा मिट्टी लेनी है? थोड़ा सा नीचे dig करके, थोड़ा सा नीचे खुदाई करके, उसके नीचे से जो soil है, that soil you have to take and keep 1 or 2 lump of soil in the transparent plastic bag. ऐसे plastic bag में लेके वहाँ पर तुमको उस वो मिट्टी को रखना है. And tie its mouth with thread. और इसके जो बाहर लेके रखते हुए क्लास एंड ऑब्जर्व. उस देर बाद जब धूप में रह जाएगा, दैट यू ब्रिंग दैट टू द क्लास एंड ऑब्जर्व. अभी हमको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चीज है. What to observe? क्या देखना है? The inner wall of the plastic bag. हमको अभी इसमें क्या देखनी है? Inner wall. ये जो plastic bag है, इसके अंदर के wall को हमको observe करनी है कि उसमें हमको क्या दिख रहा है. What did you observe? That you have to write. What did you observe? That you have to write. Then activity 5. Take a transparent glass, fill it with water. अभी क्या करना है हमको? ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, फिल इट विद वाटर, उसको पानी से भर देना है. नाउ एड अ लंप ऑफ सॉइल टू द ग्लास, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड. अभी हमको क्या करना है, उसमें मिट्टी डाल देना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. सी द ट्रांसपेरेंट ग्लास, लंप ऑफ सॉइल इज देयर एंड यू हैव टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन देयर इन द ट्रांसपेरेंट वेसल ऑन एंड नियर द सॉइल, व्हाट विल यू ऑब्जर्व. Clear? So these are all activities. Remember and write which different things are obtained after digging the soil. जब हम dig करते हैं soil को, उसके साथ साथ हमको और कौन कौन सी चीजें मिलती हैं. Clear? Then clear. So this is remember and write. These are all activities. 5 activities are there. This is the part 1 of this lesson. I will explain the next part in another class. And you just go through this activity. Try to understand this. Any doubt you can ask me. Clear? Everyone? Okay, bye.